अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जोहर टाइम, नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसा जा रहा है पहला रोजा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखो बढ़िया से नमाज भी पढ़ा, माशाल्लाह बारह भी पढ़ा था सुबह, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। फिर मिलते हैं आपसे, तो मिलकर बहुत अच्छे लगते हैं। आप धूल अंदर आती है, लॉक करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। चले मार्केट संभाल लेने। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल है मुदीर? मिया सही बोला ना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबक जाओ, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है, और आप सबको हम सबकी तरफ से रमजान मुबारक, रमजान का पहला रोजा मुबारक, रमजान रमजान का पहला रोजा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप सबके रोजे अच्छे जा रहे होंगे। जहाँ पे इंडिया से एक दिन पहले रोजे स्टार्ट थे, उनका सेकंड रोजा होगा, तो उनका भी रोजा अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोजा भी अच्छा जा रहा है। तो हम निकले हैं बाहर, सामान लाना है, फ्रूट्स लाना है और रूह अफजा लाना है। फ्रूट्स लेके आते हैं, उसके बाद इफ्तार की तैयारी करेंगे। आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे था ना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल से सहरी टू इफ्तार सब दिखाएंगे। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मंडी, आज आपको मजा की मंडी भी दिखाते हैं। मंडी में फ्रेंड्स अभी हमने गाड़ी एक जगह लगा दी है, अभी पैदल पैदल चल के सारी चीजें खरीदते हैं। सब्जी ले ली, अभी ले लेते हैं फ्रूट। मीठा निकाल दो, मीठा काकी लगा के दे। लाल लाल है, सब्जी भी हो गई, फ्रूट्स भी हो गए, अब चलते हैं। अब आगे बैठ। आ चुके हैं घर, अभी असर पड़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे दाल की तैयारी शुरू। और घर में आज बहुत अच्छा कुछ खाना बन रहा है, बाहर तो खुशबू आ रही है। ये तो सारा सामान ले गया, इसको उठाना पड़ेगा। हाँ लाओ, मैं पकड़ा दो, मैं भी मदद कराती हूँ। सबसे ज्यादा भारी वाला मैंने उठाया सामान। हम भी पढ़ के आते हैं। मम्मा पढ़ रही नमाज। वालेकुम अस्सलाम। रोजा है, रखा है? अच्छा आ जाओ बैठ जाओ बैठ। न्यू चॉपिंग बोर्ड यूज करेंगे। हाँ भाई, आज पहले रमजान भी क्या है, आज स्पेशल हम लोगों के लिए बताओ। आज कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम चलाओ चीजें, बस ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। और मेहर भी आई है, और मेहर का भी रोजा है माशाल्लाह। ये कैसा कड़ी बनता है? ये ऐसे ये फल सा हुआ है, देसी, बहुत अच्छी खुशबू है। देखो देखो, पुरानी फल से हट गई है, ये नया जमा है। अच्छा, स्टार पर टाइम नहीं बिल्कुल भी। आपका काम है फल काटना? हम भी कटवा लेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े तुम काट लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं काट लूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बनाएगा शरबत? चलो जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लेते हैं। आटा किस लिए? ये अच्छा है आटा, आटा बिल्कुल के लिए, थोड़ी सी तो बनाएंगे। ठीक है, बना पड़ेगा। आटा आ गया भाई, कम तो नहीं होगा? बहुत ज्यादा है इतना तो, मुझे अंदाजा नहीं है, ये अंदाजा बताती जाएंगी। बहुत ज्यादा हो जाओ भाभी। ज्यादा है? और सर बहुत ज्यादा है, कम कर लो। क्या कम कर? गुलगुले। इलायची पाउडर नहीं लिया, वरना वो भी डाल देते, अच्छा लगता है। जो कमी है वो कल ला के दे देंगे, ठीक है? टाइम हो रहा है, गैस धीमी कर लो, आराम से आराम से आराम से। ब्रेड चीज पकौड़ा है ना, ठीक है? हाँ तुम देखो, तुम बना रही हो, मुझे क्या मालूम कितना ठीक है। मैंने इतना कभी कुछ ऐसे पूरे दिन बना रही थी। इतना ही बनाओ, इतना ही। ब्रेड बासी है, एकदम ताजी नहीं, आप देखे टूटती है फिर वो। ये बन रहा है शरबत, नींबू डाल के ही माने, नींबू डाल के ही पापड़ दे दो, पापड़। बंदर वहाँ सफल लोगों का हो गया, हमारा यहाँ पे तरबूज फट रहा है, शरबत बन गया। सारे हमने फ्रूट काट लिए अपने। ये क्या बना रहे हो तुम? ये वो चने हैं, चने। हाँ। कच्चे चने, उसमें पूरा सब डाल ग्रीन ये। हाँ। और नमक। फ्रेंड्स आज फर्स्ट डे था ना, तो हम लोग को टाइम का अंदाजा नहीं मिला, इसलिए हर चीज बहुत क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट वे में, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो रहा है। कल से इंशाल्लाह पूरा तरीके से करेंगे, लेकिन सबकी हेल्प हो गई। देखो शादाब भी है, ये भी कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग हैं। अभी दस्तरखान बिछ गया है, और अभी कैचअप निकाल के रख दिया है, और अभी ये शरबत रेडी हो गया। कितनी देर और बची? बस 16 मिनट बाकी। 16 मिनट, जल्दी आओ। माशाल्लाह, ये नींबू तरबूज के ऊपर, हर चीज में नींबू। ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है पहले रमजान तुम्हारे ससुराल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा।
फ्रेंड्स 6:15 बज चुका है, इफ्तार में जो है अभी से 15 मिनट बचे हैं, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। मेरा आज यहाँ पे पहला रोजा था, बाकी सबने पूरी हेल्प की है, मैंने तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। अभी क्या इस वक्त हो रहा है वो आपको दिखाती हूँ। सनी बेचारा बराबर से मेहनत कर रहा है। रुखसाना बाजी क्या आ गए, चलो आ जाए, जो मिल रहा है वो ला रहे हैं। आज काम चला लो, कल से आज काम चला लो, कल से सब तरीके से बहुत सारे मेरे पकाने वाले हैं और पता नहीं अंदर से टेस्ट कैसा होगा। अच्छा होगा। मेन चीज तो बची हुई है तलने के लिए, ये तेल नहीं हुआ, तेल हो चुका था, गलत टाइमी हो गई और बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, सबके फेवरेट। भाभी के तो ज्यादा फेवरेट। हाँ मेरे भाभी। चलो भाई तुम्हारे लिए अम्मा की तरफ से कुछ सरप्राइज है। क्या दे भाई मम्मी का है? क्या है? अब है तुम्हारा ससुराल में पहला रोजा है, कुछ ना कुछ तो बनता है ना। अरे रखो रखो जल्दी रखो रखो। ये तो लेके आई, मैंने बताया भी नहीं है, अकेले गई होंगी आप। सही है? थैंक यू। अच्छा लग रहा है? हाँ। अम्मा की पसंद अच्छी है सूट में। लो मैं तरह से भी ले लो, पहला रोजा है तुम्हारा। हाँ भाई सही है। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ब्रेड पकौड़ा जो है वो सही बना हो, तो सब लोग टेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे। बता रुखसाना बाजी कैसा है पकौड़ा? अब तो मुंह में तो नहीं डाला। टेस्टी है भाई। टेस्टी है मम्मी दे, मम्मी बताएगी। एक नंबर। सही है। सबको एक नंबर है। सबका एक नाम सही है। सही पता? एक नंबर का है। हां एक नंबर पे एक नंबर। सबने दिल रखने को कह दिया। अच्छा बना है। 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 चलो ले। ये तुम्हारे गुलगुले क्यों शर्मा रहे हैं? आ गिन रहे मैदान में दिखाने के लायक नहीं है। शर्मा रहे हैं। खाना खा लिया है, टहलेंगे। 10:47 हो चुका है, वॉक कर लिया, थोड़ी देर बैठ लिया, अभी चलते ऊपर। ऊपर भी थोड़े काम है, बहुत थकान हो गई फ्रेंड्स। शुक्र है कि अब ये बीच का जो ब्रिज है ना वो खुल गया है, तो हमें सिर्फ एक बार नीचे होना पड़ता है फिर ऊपर हो जाते हैं, फिर एक बार झुकना होता है और हम अंदर। तो पिछला सबको रूम दिखा देते हैं, फाइनल वाला। हाँ। आपको मैंने एक चीज नहीं दिखाई। क्या ये क्या हो गया, जल गई थी तलने में? अरे अल्लाह, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिंग नहीं पहन पा रही। पकौड़ा बनाने में जल गई ना? हाँ उचक गया था। उचक गया था तेल। ये देखिए फ्रेंड्स पास से। फ्रेंड्स जल्दी हम आपको अपना पूरा रूम दिखा देते हैं, जो भी हमने छोटे मोटे चेंजेस किए थे। तो यहाँ से हम बाहर से आते हैं, आपने देखा होगा जहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है, आपको दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर हमने वो लगवाए हैंगर है ना, कपड़े टांगने के लिए, वो नहीं बोलूंगी, हैंगर लगवाए। बाहर हमारा ये अभी ड्रॉइंग रूम हो जाएगा, जिसमें हम रहते हैं हमारा बेडरूम हो जाएगा, तो जब कोई आएगा मिलेगा बैठेगा उनके लिए ये वाला रूम हो जाएगा, तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। ये रूम अभी बन रहा है, ये आपको पता है, ये अभी देखिए ऊपर फॉल सीलिंग बन रही है और काफी दिनों से यहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपको पूरा होम टूर देंगे हमारे यहाँ का, मधार का, हमारे ससुराल का। ससुराल बोलने बहुत हंसी आती है मुझे। जैसे आए यहाँ से बाहर से, तो इस साइड आता है ये टीवी वाला सेक्शन। अभी आपको थोड़ी धूल देख सकती है क्योंकि जितना भी साफ करो वो आ ही रही है। तो यहाँ पे टीवी है जिसकी पन्नी नहीं निकाली है सनी ने। सनी भी मेरी तरह है, जब तक लगा रहे लेकिन हम निकाल देंगे। उसके बाद ये है न्यू एडिशन जो हमने इस रूम में कराया, क्योंकि फुल मिरर नहीं था रूम में कहीं, और सबको मन होता है फुल आउटफिट की फोटो क्लिक करने का या अपने आपको देखने का रेडी होने के बाद। फिर हमने मौधा से ही बनवाया, एक शॉप से, एक दिन उन्होंने बना के दे दिया था। कितने में सनी? 1600। हाँ 1600 बना के दे दिया था। और ये लाइट हमने कानपुर से ले ली थी, तो ये इस तरह का लगता है। तो इस तरह से अपने अपने आउटफिट देखने के लिए या अपनी सेल्फी लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए ये मिरर काफी ज्यादा यूजफुल है। क्या कहता है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे कर्टन्स है, यहाँ पे भी डोर है, अगर आप देख सकते हैं। ये मैंने कोलैबोरेशन के कपड़े टांगने के लिए यहाँ पे भी इसको यूज कर लेती हूँ। और इसके बाहर जो है वो बालकनी है, वो भी आप देख चुके होंगे, लेकिन एक बार और देख लीजिए ये वाला। कैमरामैन आ जाओ। हाँ हाँ चलो। ये बाहर का बैल्कनी है, इसका फिर अभी कुछ ज्यादा हमने कराया नहीं। यहाँ पे वो स्टार वाली लाइट ना हमने यहाँ पे लगा ली थी, चला के दिखा नहीं रही है, चला के दिखा दी, अभी दिखा। अभी आप थके हुए, मैं भी थकी हुई हूँ, आज पहला रोजा था यहाँ का, तो थोड़ा सा थकान ज्यादा है। तो ये बाहर का एरिया है, ये खैर अभी नीचे भेज देंगे हमारे सूटकेस से, एक्स्ट्रा सामान अभी हमने यहाँ पे डाल दिया था। यहाँ पे वो इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है। बाहर से देखे तो ये इस तरह दिखता है, यहाँ से दरवाजा खोल के हम चले जाते हैं अंदर। बंदरों की वजह से ज्यादा यूज ही नहीं होता है। और आप
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरे नए वाले पर्दे कैसे लगे। स्टार्टिंग में सनी कहता काले नहीं अच्छे लगेंगे, काले नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे पर्दे। हाँ, बहुत सही लगे। ये जो रूम का कलर होता है ना, ये जो ऑफ व्हाइट कलर है, उसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग को मानता हूँ, तुम्हारा दिमाग चलता है भाई साहब। तो ब्लैक दिख गए थे तो अच्छे लगे थे, मैंने जल्दी से बना के भी दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ड्रेसिंग टेबल। ये लाइट कुछ हमें न्यू दिखी थी कानपुर में, तो हमने ये वाली ले लिया, तो अब इसे कहीं ना कहीं तो यूज करना था, तो यहाँ पे चिपका दिया है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और ये तो हमने दिखाया नहीं है, ये तो हमने कमरिया बाबा के मेले से लिया था, सबको पता है। ये तो बहुत अच्छा, जब पूरा अंधेरा होता है तब ये बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लाइट बंद करके। तो ये वाला सेक्शन कुछ इस तरह है, मतलब यहाँ पे ये बाहर का दरवाजा, फिर यहाँ पे विंडो भी है। ये देखिए इधर पे, ये सनी ने अजीब सा करवा दिया, लेकिन मजबूरी है, एसी यहाँ से निकलवा के यहाँ लगवानी थी। इफ्तारी बची हुई हम ऊपर ले आते खाने के लिए, जो अभी पेट में जगह नहीं है। और उसके बाद आ जाता है ये सबसे अच्छा लग रहा है ना। जब सवाल लिया कि ब्लैक ब्लैक लेकिन जब मैंने जब इसने डाला और मैंने देखा तो लगा भाई साहब एक नंबर चीज ले गया। जो पूरा ब्लैक वाला सेटअप है ये हमने सब तारा सिंह मेला राम करके जो कानपुर में शॉप है वहाँ से लिया था, वहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया था। वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि भी वैसे भी हमें पतला कंबल चाहिए था क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो ये पतला वाला ब्लैक ब्लैंकेट भी मिल गया था, ब्लैक बेडशीट भी मिल गई है, ये इसके साथ पिलोज, ये आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ। मुझे कर्टन के साथ मैच करके ऑफ व्हाइट या बेज भी चाहिए था, और ये कॉन्ट्रास्ट में ये शादी वाली जिनकी नई नई शादी होती है उनका वाला है ये मैंने उनसे ले लिया। हम तो पुराने हो गए लेकिन नहीं हुए। ये अलमारी हमारी रखी हुई है जो कि थोड़ी छोटी है, इंशाल्लाह हाँ। फिर कभी बड़ी बनवा लेंगे। और यहाँ पे हमारे भी कुछ सामान एक्स्ट्रा जो भी कुछ गद्दे के कवर ये सारी चीजें हैं जो भी हम बाद में सेट कर देंगे। लेकिन हाँ, जो सबसे मेन चीज है वो है ये लाइट। हाँ, ये बंदी दीवानी होता है, सब काम छोड़ के सही लाइट लेना, ये अपने आप अकेले लाइट ले रही है। देखो लाइट्स मुझे पसंद है, सबको हाँ। पता है, आपको भी पता है। और अभी रमजान है, स्पेशली थोड़ा फेस्टिव फील के लिए अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऐसी ऐसी जल्दी चेंज भी होती है। ये देखो अब हमने रोक दिया, अब ज्यादा अच्छी लग रही है। लाइट हाउस खोल लो ना, शादी ब्याह डेकोरेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें। अभी आप यहाँ से ऐसे पूरा लुक देख सकते हैं, और आप जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये साइड टेबल्स हैं जो हमारे बेड में जुड़ी जुड़ी आई थी, तो यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स में वो सारी चीजें भरी हुई हैं जो इस्तेमाल की नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे डाल दी हैं। ये जो पौधा है उन्होंने हमें दिया था, बस फोन रखे, टोपी रखे, चश्मे रखे, जो आस पास आप सबके फोन आ रहा है। और यहाँ से जाके हमारे वॉशरूम है, जो की अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, इतना क्लीन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पूरा नहीं दिखाती हूँ, वैसे इतना दिखा देती हूँ की ये मिरर हमने उस दिन कानपुर से लिया था, तो ये वाला है। सही है, सही है, ठीक है। ये वाला आउटफिट भी फ्रेंड्स कोलैबोरेशन का था, हमें ANS चिकनकारी से आया था ये कुर्ता और नीचे पैंट्स, तो इसमें फोटो क्लिक कर दिए। सारी का टाइम आ चुका है, ये व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, तो हमने सोचा एंडिंग दे देते हैं, वो नया व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे, बस अभी चलते हैं। और आपको ये भी दिखा देते हैं, ये हमने कानपुर से लिया था, ये ऐसी टी शर्ट एकदम कुर्ते टाइप कि आप इसमें नमाज भी पढ़ सकते हो। तो आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें बहुत सारा प्यार दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और हम जा रहे हैं शहरी करने। और ये है फ्रेंड्स वो प्यारा सा सूट जो हमारे मुझे रमजान का गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारा है ना, मैं इंशाल्लाह से स्टिच करा के जल्दी पहनूंगी।